जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी। मित्रों, चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से आपके अपने चैनल चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करवत प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमय हो। तो चंद्रवर्णी भक्तराज चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा वह होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का कार्यक्रम मिथुन राशि के जातकों के लिए होगा, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला जो महीना है नवंबर 2023 का, यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, क्योंकि हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2023 के अनुसार आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, करियर। और वीडियो के अंतिम में बात करेंगे शुभ शुभ अंक के, शुभ रंग के, और बात करेंगे सुंदर से सटीक से उपाय की, जिस उपाय को करके आप इस महीने को जो है आनंददायी बना सकते हैं। तो सभी लोग जो है वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो हैं वह समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2023 का यह महीना कैसा रहेगा। तो सर्वप्रथम बात करेंगे पारिवारिक जीवन की। तो मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि, अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो नवंबर का जो महीना है या नवंबर 2023 का महीना आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस महीने में जो है परिवार वालों से आपके संबंध जो है मजबूत होते हुए दिख रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के, और घर में कई नई नई खुशियां इस महीने आपके आ सकती हैं। कोई उत्सव आपके घर में, आपके परिवार में हो सकता है, जिसमें आप भी जो है सम्मिलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि घर का कोई सदस्य नौकरी की तलाश कर रहा है, आपके घर का कोई सदस्य, आपके परिवार का कोई सदस्य जो है कोई नौकरी की तलाश अगर कर रहा है, तो नवंबर 2023 के अनुसार जो है उस व्यक्ति की नौकरी लग सकती है, और आपके स्वभाव के कारण जो है आपकी प्रतिष्ठा भी जो है बढ़ते हुए दिख रही है। इस महीने नवंबर 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सभी के मन में जो है आपके प्रति सम्मान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में जो है आपको मित्रों का संयोग भी मिलेगा, जो आपके मित्र हैं, इष्ट मित्र हैं, वह आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, उनका आपको संयोग मिलेगा, जिससे जो है आपके रिश्तों में मजबूती आते हुए दिख रही है, आपके रिश्ते मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो पारिवारिक जीवन के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए यह नवंबर का जो महीना है यह बहुत ही शुभ होने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2023 के अनुसार आपका व्यापार और आपकी नौकरी कैसे रहेगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार और नौकरी के लिए जो है यह नवंबर 2023 का जो महीना होगा, इस महीने कई नए नए अवसर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। यह नवंबर का महीना कई नए अवसर लेकर के आपके लिए आएगा, जिससे जो है आर्थिक उन्नति भी आपके होते हुए दिख रही है, और इस समय जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए कई मौके भी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। इसमें जो है आपके जो मित्र होंगे, मिथुन राशि के जातकों के जो मित्र होंगे, आपके मित्र भी आपके सहयोगी बनेंगे, आपका खूब सहयोग करेंगे, लेकिन आप जो है किसी चीज को लेकर संशय में इस महीने जरूर रह सकते हैं, कोई संशय आपके मन में जरूर रहेगा। भूमि संबंधी निवेश में भी जो है आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, अगर आप भूमि संबंधित कोई निवेश करते हैं तो उसमें भी जो है मिथुन राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति होते हुए दिख रही है। वहीं जो मिथुन राशि के जातक नौकरी पेशा करने वाले हैं, नौकरी करने वाले जातक हैं, तो नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में जो है इस नवंबर के महीने संतुष्टि मिलते हुए दिख रही है, आप अपने कार्य में संतुष्ट रहेंगे। ऑफिस में जो है काम की आपके प्रशंसा होते हुए दिख रही है, आपके कार्यों की खूब प्रशंसा होगी। सहकर्मी भी जो आपके सहकर्मी हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, तो सहकर्मी भी आपके काम से इस नवंबर के महीने प्रसन्न होते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ जो है
मिलकर कुछ प्लान, कुछ नया प्लान भी आप करते हुए दिख रहे हैं, कुछ नया प्लान भी आप बनाएंगे। वहीं सरकारी विभाग के में जो अधिकारी हैं, जो सरकारी विभाग में मिथुन राशि के जातक जो अधिकारी हैं, तो उच्च अधिकारियों के साथ जो है यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपसे जो उच्च पद पे विराजमान है, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं और इससे आपको कुछ नया अनुभव भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे शिक्षा और करियर के लिए कि शिक्षा और करियर के क्षेत्र में कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए यह नवंबर का महीना। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, तो मिथुन राशि के जातक जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो मिथुन राशि के जातकों को पढ़ाई जो कर रहे हैं, तो उन्हें इस महीने जो है नवंबर के महीने थोड़ा सा कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। भाग्य का साथ आपको जरूर मिलता हुआ दिख रहा है, परंतु मेहनत आपको करनी है। इसमें इससे जो है महीने के आखिर तक जो है इच्छित परिणाम आपको मिल सकते हैं, अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपको मेहनत जो है वह कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई कर रहे हैं, मिथुन राशि के जातक अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी का संयोग आपको इस महीने जो है नवंबर 2023 के अनुसार आपको किसी का संयोग मिलता हुआ दिख रहा है। इससे आपको जो है आगे का रास्ता मिलता हुआ दिख रहा है और भविष्य के लिए जो है आपको उचित मार्गदर्शन भी मिलता हुआ दिख रहा है। जबकि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जितने भी मिथुन राशि के जातक कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों को तो नए आयाम जो है स्थापित करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे जो जातक हैं जब जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे जातक नए आयाम जो है इस नवंबर के महीने स्थापित कर सकते हैं। इस समय आपको जो है अपने अध्यापकों से भी संयोग मिलता हुआ दिख रहा है। जो आपके अध्यापक हैं वह भी आपको पूर्ण संयोग करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करेंगे इस नवंबर 2023 के महीने में मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा यह नवंबर का महीना। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह नवंबर का जो महीना है, यह नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके प्रेम जीवन को जो है इस नवंबर के महीने में बहुत ही प्रेम जीवन के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छे संकेत जो है इस महीने आपके लिए मिल रहे हैं। यदि आप जो है किसी से मन ही मन प्रेम करते हैं, तो आप जो है उसे इस महीने बता सकते हैं। अगर आप किसी से जो है मन ही मन में प्रेम करते हैं और आज तक उसे आपने उसको बताया नहीं है, तो बेहद अनुकूल यह समय है। इस समय आप बता सकते हैं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। वहीं जितने भी मिथुन राशि के जातक विवाहित हैं, जिनका विवाह हो चुका है, तो विवाहित लोग जो है इस नवंबर के महीने में कुछ समय को जो है जीवन साथी के साथ यादगार पल बना पाएंगे। कुछ समय जो है अपने जीवन साथी के साथ आप बिताएंगे और यादगार समय आप बना पाएंगे। बहुत ही अच्छा समय जो है अपने जीवन साथी के साथ आप व्यतीत करेंगे। जबकि अविवाहित लोगों को जो है नया जीवन साथी इस महीने मिल सकता है और जिससे उनका मन जो है मिथुन राशि के जातकों का मन आनंदित रहेगा। लेकिन आपको इस महीने यह ध्यान रखना है कि अति से आपको बचना है। व्यवहार थोड़ा सा अपना विनम्र आपको रखना है और अति होने से अति से आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। बात करते हैं नवंबर 2023 के अनुसार स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह नवंबर का जो महीना है, इस नवंबर के महीने में मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा परेशानी वाला स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना आपके लिए हो सकता है। इस महीने आप जो है शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं और महीने के बीच में नवंबर महीने के मध्य भाग में जो है सर्दी जुकाम की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। कमजोरी से काम में जो है जब आपको कमजोरी होगी, कमजोरी महसूस होगी, तो कमजोरी से जो है काम में आपका मन नहीं लगेगा और आलस्य जो है आप पर हावी रहेगा। तो इससे बचने के लिए जो है मिथुन राशि के जातकों को आहार सही रखना है और सही समय पर आपको भोजन करना है। हालांकि इस महीने जो है इस नवंबर 2023 के अनुसार मिथुन राशि के जो जातक हैं वह मानसिक रूप से जो है खुद को मजबूत महसूस करेंगे और इस समय जो है आपके मन में नए नए विचार आते हुए दिख रहे हैं। महीने के तीसरे सप्ताह में जो है एक नई ऊर्जा देखने को भी मिथुन राशि के जातकों को मिलेगी।
अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए इस नवंबर 2023 के अनुसार आपके लिए लकी नंबर और लकी रंग कौन सा होने वाला है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस नवंबर 2023 के अनुसार जो है आपके लिए लकी नंबर होगा 4 और लकी कलर रंग आपके लिए होगा संतरी। तो इसलिए इस महीने संतरी रंग और 4 नंबर को आपको ज्यादा प्राथमिकता देनी है। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आप जो है किसी बड़ी मुश्किल में इस महीने नहीं फंसेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए उपाय की, कि उपाय क्या करें जिससे आप इस नवंबर 2023 के महीने को सुफलदायी बना सकें। तो मिथुन राशि के जातकों को इस नवंबर 2023 को आनंददायी सुफलदायी बनाने के लिए आपको जो है उपाय के तौर पे जो है इस नवंबर के महीने प्रतिदिन आपको भगवान श्री गणेश जी का आपको पूजन करना है। विघ्नों के हर्ता श्री गणपति महाराज का आशीर्वाद प्रतिदिन आपको लेना है और गणेश जी को दुर्वा आपको समर्पित करनी है। तो अगर आप यह उपाय करेंगे और भगवान गणेश जी को प्रतिदिन दुर्वा समर्पित करेंगे और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का प्रतिदिन अगर आप 108 बार की संख्या में जाप करेंगे तो आप इस महीने को नवंबर 2023 महीने को सुफलदायी आनंददायी लाभदायी बना सकेंगे। तो यह जो छोटा सा उपाय है इस सटीक से उपाय को आपको जरूर करना है ताकि इस नवंबर 2023 के महीने को आप सुफलदायी आनंददायी लाभदायी बना सके। तो यह उपाय जरूर करें ताकि आपको जो है इस नवंबर के महीने में आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपको लाभ के प्राप्ति हो। तो आज का यह कार्यक्रम आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक मां भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।